बट एक बार पॉइंट्स टेबल दिखाओ, मैं टॉप फोर की बात करना चाहता हूँ। टॉप फोर में गुजरात टाइटंस आपको लग रहा है पक्की है? साक्षी आपको लग रहा है पक्की है? हाँ, कोबरा मुझे भी लग रहा है पक्की है। आपको राजस्थान रॉयल्स लग रहा है पक्की है? साक्षी टॉप फोर में, कोबरा आपको लग रहा है पक्की है? राजस्थान रॉयल्स मुझे नहीं लग रहा पक्की है। लखनऊ सुपर जायंट्स आपको लग रहा है पक्की है टॉप फोर में? वेरी गुड, गुड गुड चॉइस। नो, मैं भी बोल रहा हूँ नो। चेन्नई सुपर किंग्स आपको लग रहा है पक्की है टॉप फोर में? नो। कोबरा दो, मुझे लग रहा है चेन्नई सुपर किंग्स जाएगा प्ले ऑफ पे। तो मेरे लिए अभी गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स है, आपके लिए बोथ गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स है। तीसरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बैंगलोर आपको लग रहा है साक्षी जा रही है टॉप फोर में? हाईली पॉसिबल, बट मैं देखना नहीं चाहूंगी इस टीम को फॉर दी ओनली रीजन की ये टीम बैलेंस नहीं है टेक्निकली देखा जाए तो। हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं, कहानियां नहीं सुन दी, बताइए। जा सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ये टीम। हाँ जा सकती है ये। तो ये बोल रही है कि आपने अभी तक गुजरात, चेन्नई और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चूज करी, आप बताइए। आई थिंक टू विंडो में दिखा दे। मैंने चूज नहीं करी, आप क्या बोल रहे हो? मैंने लखनऊ और चेन्नई तो ये नहीं कहा कि जाएंगे नहीं, शायद नहीं जाएंगे, गलत। एक सेकंड, टू विंडो में दिखा दो, टू विंडो में दिखा दे भाई। हाँ बताओ, टू विंडो में लगाओ। ये कह रही हूँ आरसीबी, अच्छा आधे आधे में लगाओ। नहीं नहीं, आपने सीधा सीधा क्लियर बोला है, झूठ बोलने की अब जरूरत नहीं है प्लीज। झूठ बोलने क्योंकि आपने बोला है कि सवाल क्या? नहीं नहीं, आपने गुजरात बोला कि जा रही, सवाल समझ में नहीं आ रही आपको। सवाल गुजरात जा रहे, राजस्थान जा रहे, राजस्थान को आपने हाँ बोला, लखनऊ और चेन्नई के जाने के चांसेस अभी श्योर नहीं है। नहीं आपने नहीं बोला, आपने नो बोला, श्योर नहीं नहीं बोला, आपने नो बोला। आप पलटिए मत, आप कोबरा बनिए, पलटू मास्टर मत बनिए, आपने नो बोला। मतलब वही था, मतलब नहीं था आपका, नो का मतलब नो होता है श्योर नहीं, श्योर। आई टेक माय वर्ड्स बैक, यू कांट टेक देम। लखनऊ का नहीं बोला था आपने और चेन्नई का भी नहीं बोला था आप दोनों ने। मैंने गुजरात टाइटंस का बोला है और चेन्नई का बोला है और आप दोनों ने गुजरात और राजस्थान का बोला है। तीसरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, यस या नो? फिर से चांस दे रहा हूं, बताइए जा रही है टॉप फोर में कि नहीं? मैं अभी नहीं कह सकती बिकॉज यस और नो में मेरे पहली चीज लखनऊ भी रहेगी कंसिडरेशन में और चेन्नई भी रहेगी। हाउ डू आई गिव इट? ये नहीं हो सकता, वो पास हो चुका है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। तो फिर मैं अपनी टॉप फोर बता देती हूँ सिंपली, खत्म करो ये। राजस्थान, गुजरात, लखनऊ एंड चेन्नई, ये मेरी टॉप 4 है। लखनऊ आप अलग कर चुकी थी, कोई बात नहीं, चलिए। मतलब जो टॉप 4 है वही टॉप 4 रहेगी, कोई बात नहीं, ये पलट गई, कोई बात नहीं, आप बताइए। देखो आरसीबी जा तो सकती है बट हाँ या ना, मैं चाहूंगा इस बार पंजाब जाए। पंजाब आप बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है ना? अभी तक आपकी ये हुई है। मैं बोल रहा हूँ गुजरात, चेन्नई और आरसीबी, मेरी ये तीन है, मेरी गुजरात, चेन्नई और आरसीबी बनी है। आपने तो चारों बता दिया, गुजरात, राजस्थान, आरसीबी और चौथी मुंबई। नहीं आपने गुजरात, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मुंबई, पंजाब, मुंबई। मैं बोल रहा हूँ गुजरात, राजस्थान, आरसीबी और एमआई, मेरी ये है। हो सकता है इसमें से सीएसके बोल रहे थे आप, आपने राजस्थान हटा दिया था, राजस्थान कंफ्यूज हो गया। गुजरात, यस, यही मैं शुरू से बोल रहा हूँ, गुजरात, सीएसके, आरसीबी और एमआई। और यहाँ पे झटका सिर्फ पंजाब किंग्स दे सकती है, मुझे ये लग रहा है। मुझे लग रहा है लखनऊ बाहर है और मुझे लगता है आरआर को भी बड़ी मुश्किल पड़ी है जिस तरीके से वो खेल रहे हैं अभी। संजू सैमसन स्पेसिफिकली जिस तरीके से खेल रहे हैं, जॉस बटलर जिस तरीके से खेल रहे हैं, उनको मुश्किल पड़ सकती है। तो मेरे लिए गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मुझे लगता है क्वालिफाई करेंगे, स्पेशली जो विराट कोहली को इतना ज्यादा वो कर दिया ना, एनर्जी आ गई है। आरसीबी एंड मुंबई इंडियंस, स्पेशली आरसीबी के पास डेंजरस मैच विनर भी आ गए हैं, डेंजरस। बट मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस अगर कोई झटका देगा ना तो पंजाब किंग्स झटका देगा, या तो एमआई को या आरसीबी, इन दो। हाँ, पंजाब, एमआई और आरसीबी, क्योंकि केकेआर, एसआरएच ये तो बाहर ही ऑलमोस्ट। इन दोनों टीमों के, आरसीबी और एमआई के चांसेस हैं टॉप फोर में जाने के। कल पहले मैच जीतना पंजाब, कल अगर तू मैच हार गए तो शक्ल मत दिखाना, फिर पंजाब ही जा रही है। कल अगर मैच हम हार जाते हैं तो बहुत ज्यादा, पहला मैच भूल गए हो जो लखनऊ और चेन्नई का है, वो भी कितना बड़ा अपहीवल करेगा ऊपर के टॉप फोर में। कल अगर मैच हार गए तो फिर सच्ची में शक्ल मत दिखाना। देखो अगर कल जो भी मैच हारती है, पहला मैच लखनऊ और चेन्नई में से, उसका 10 में से चेन्नई नीचे चली जाएगी, लखनऊ ऊपर आ जाएगी। अगर आप कोई भी दोनों टीमों को देखो, 10 मैच उनके हो जाएंगे पूरे और 10 में से 5 जीत By the way, एक टीम के और एक टीम बड़ी कन्वीनियंटली हमने डिसमिस तो कर दिया, मतलब मैंने कर दिया राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स को, बट इनका भी चांस इक्वली है भाई, चांस इक्वल है। राजस्थान रॉयल्स अगर अभी अभी भी रिदम पकड़ ले नंबर एक से लेकर, इनका ये बताओ कोबरे, ये बताओ यार इनके मैचेस किसके साथ है, राजस्थान रॉयल्स के किस किसके साथ है, एक एक करके करते हैं। राजस्थान रॉयल्स के किस किसके साथ मैच है ऊपर से आते हैं, गुजरात टाइटल्स छोड़ दो, गुजरात टाइटल्स जा रही है। अच्छा कल के मैच जीटी, अच्छा एक सेकंड सुन लेते हैं, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस जीटी डेक्स, ठीक है, फिर उसके बाद हैदराबाद, चलो ये जीत जाएगी हैदराबाद, एक जीत उसके बाद केकेआर जीत जाएंगे, फिर और उसके बाद एक स्किन आरसीबी, फंसने वाला गेम है ये, आरसीबी फंस सकता है, और उसके बाद है राजस्थान जीतेगी, पंजाब किंग्स जिसमें राजस्थान जीतेगी, आई एम प्रीटी श्योर, दे हैव अ स्ट्रांग, नॉट श्योर, और
खत्म हो गया. इसमें से दो दो पक्के मैच देखे जो जीतना चाहिए इनको, केकेआर वाला और एसआरएच वाला, दो तो कंफर्म है. बाकी आपने खेल रहे गुजरात के साथ, आरसीबी के साथ और पंजाब के साथ. इसमें से राजस्थान फंसेगा केकेआर के अगेंस्ट. आपको यहाँ पे ले लीजिए कि आरसीबी यार फालतू कोबरे कंफ्यूज क्यों कर रहा है. एसआरएच और केकेआर नहीं जीत पाएंगे. केकेआर के सब ऐसे ही बाहर बैठो. नहीं अगर ऐसा है तो फिर आरसीबी आपने बोला केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद से जीतेंगे. जीटी आरसीबी और पंजाब ये है ना. जीटी आरसीबी और पंजाब के अगेंस्ट में से ये तीन में से दो तो पहले हो गया, ये तीन में से दो और जीतते हैं तब ये पहुंच जाएगा नौ जीत पे. सॉरी नौ जीत बोल रहा हूँ, कितनी जीत पे? चार. सही बोला, नाइन विंस हो जाएंगे 14 मैचेस में. तब ये हो गए तब ये थ्रू हो जाएंगे. नहीं नहीं नहीं, इन्हें बचे हुए पांच में से अगर ये चार जीतेंगे चार जीतने वही बोल रहा हूँ ना. इन्होंने तीन जीते तो आठ होंगे टोटल. मैं चार ही गिन रहा हूँ भाई, चार ही गिन रहा हूँ. तो ये आरसीबी पंजाब और गुजरात में से दो टीम को हरा दे, हरा सकते हैं आरसीबी पंजाब गुजरात में से. आरसीबी भी इनको हरा सकती है गुजरात और पंजाब. ठीक है, अब मेरे को लखनऊ को बताओ. अभी इनका मैंने रखा है 20% चांस. लखनऊ को बताओ, कल है चेन्नई के खिलाफ, चेन्नई हारेगी और ठीक है. ओह माय गुडनेस द कॉन्फिडेंस. ओके चेन्नई हारेगी और ठीक है. अब मैं नीचे जा रही हूँ, एक सेकंड स्क्रॉल करना पड़ेगा ना. लखनऊ सुपर जायंट्स चेन्नई, थोड़ा सा और नीचे जाना. राजस्थान का भी याद रखना दोस्तों कि मैंने इतना हाई रखा. चार चेन्नई से मैच है लखनऊ का, उसके बाद फिर जीटी से है, जीटी से है, उसके बाद एसआरएच, एसआरएच फिर एमआई, एमआई फिर केकेआर. ये बाहर है लखनऊ बाहर है मेरे ख्याल से. लखनऊ बाहर है मेरे ख्याल से. उसके बाद आ जाओ चेन्नई सुपर किंग्स. किस किस के साथ मैच है? चेन्नई का पहले राजस्थान के साथ, चेन्नई का लखनऊ के साथ है, कल एलएसजी के साथ, फिर एल क्लासिको यानी मुंबई चेन्नई, वाओ, 6 मई को, फिर उसके बाद डीसी जो की चेन्नई जीतेगी, फिर केकेआर, फिर डीसी. ये थ्रू है इनके तो सारे. डीसी के केआर तो दो मैच सके, इनके पास तीन मैचेस है, इनके पास दो डीसी के साथ केकेआर, तीन मैचेस है, दो डीसी और एक केकेआर. डोंट फॉरगेट और एक मुंबई का बॉटम वाले लोग स्पॉइलिंग करने वाले. आज भी किया है, नहीं होने वाला ना, ना आज भी हुआ है, कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है. अभी एज थिंग्स स्टैंड नाउ इनको थ्रू जाना चाहिए. आरसीबी के बता दो, आरसीबी के बता दो. आरसीबी के अगले मैचेस है डीसी से पहला मैच, ठीक है, फिर उसके बाद एमआई, ठीक है, फिर आरआर, ठीक है, फिर एसआरएच, ठीक है, उसके बाद जीटी. इनके लिए भी तीन मैच फंसेंगे, मुंबई के साथ, आरआर, आरआर के साथ और जीटी के साथ. ओहो, ये भी उसी बोट में जो आरआर बोट में, मतलब राजस्थान रॉयल्स जाएगा या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जाएगा फिर. और पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स है उनका, पंजाब ऑर्डर वो नहीं है, ऑर्डर वैसे नहीं है, ऑर्डर में बताइएगा. मैं बताता हूं, पंजाब किंग्स कल मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, अच्छा पंजाब किंग्स का ना, पंजाब का पहला मैच एमआई, ठीक है, केकेआर, केकेआर, फिर डीसी, डीसी, फिर उसके बाद फिर डीसी, डीसी, फिर आरआर. तो पंजाब का दो डीसी है, पंजाब के दो डीसी है, केकेआर और एमआई है, नहीं और बाकी छोड़ के एमआई और आरआर, एमआई और आरआर. पंजाब किंग्स, पंजाब किंग्स ने हराया था आरआर को, बताइएगा दोस्तों पंजाब ने हराया था राजस्थान को, बताना. नहीं नहीं हराया पंजाब ने राजस्थान. आरफ खत्री बोल रहे हैं उनका सुपर चैट मिस हो गया, सुपर चैट प्लीज दिखा दीजिएगा. पंजाब ने आरआर को हराया था कि आरआर ने पंजाब को हराया था? एनीवे इनके तीन मैच जो थे, दो मैच जो बचे वो एक मुंबई से है और एक राजस्थान से है ना. आरआर से जीते 5 रन से पंजाब. इनका अच्छा चांस है यार, इनका बुरा चांस नहीं है, इनका बहुत अच्छा चांस है पंजाब, पंजाब किंग्स का. क्योंकि पंजाब के पास तीन मैच है जो आराम से जीते. अगर ये बेवकूफी ना करे, आरआर से जीते है ना, आरआर से जीते है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर ये बेवकूफी ना करे, एमआई से भी पंजाब जीते, ये अगर जीते हुए मैच ना हारे, जो ये कहते हैं एक मैच हार गए एक मैच जीत गए, ये थ्रू जा सकती है. मुंबई इंडियंस पे आ जाओ, लास्ट टीम ये डिस्कस करते हैं. मुंबई इंडियंस के मैच बता दो. मुंबई का कल मैच है पंजाब, पंजाब, फिर सीएसके, सीएसके, आरसीबी, आरसीबी, जीटी, जीटी, एलएसजी और एसआरएच. 6 मैच है. अच्छा मुंबई के टफ मैच है सारे मैचेस. मुंबई के लिए आसान नहीं है. मुंबई का एक ही मैच है इस सीजन जी एलएसजी. सॉरी आपने जो मैचेस बताया है मुंबई के लिए बहुत टफ है, बिकॉज़ कल पंजाब है, फिर सीएसके है, फिर आरसीबी, आरसीबी है, जीटी, जीटी है, एलएसजी, एलएसजी है, एसआरएच. एसआरएच चलो ठीक है, बट मुंबई के लिए आसान नहीं है, बिकॉज इनको 6 में से 5 जीत रहे हैं. और इनमें से कुछ टीम गाइस, फिर से बोल रही हूँ, जो बॉटम प्लेस है वो स्पॉइलर प्ले करेंगी, तो ये मत सोचिएगा क्योंकि टॉप 4 की टीम है कोई भी, अभी बहुत वो निकल जाएगी थ्रू एंड थ्रू. नहीं, इट कुड बी, आप 3 दिन से देख रहे हो, कल
परसों और आज में. बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है टूर्नामेंट पूरा. मुझे लग रहा है अनस्टेबल, ये उथल पुथल होने वाली है. कल बहुत ज्यादा कल हो जाएगी, कल हो जाएगी उथल पुथल. आप देखें कल, मेरे को लग रहा है लखनऊ जो है वो ऊपर गुजरात से नीचे आ जाएगी शायद. जो कि क्योंकि आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, कल गुजरात में आरसीबी का एक बार फिर से बता दे, सॉरी आरसीबी का फिर से बता, मैं ये कह रहा हूँ गुजरात टाइटंस कल पंजाब और मुंबई से जो जीतेगा उसके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे. आरसीबी के अगले मैचेस हैं दिल्ली, राजस्थान भी जा सकती है. हाँ. आरसीबी का पहला मैच होगा दिल्ली से 6 तारीख को, दिल्ली फिर एमआई, एमआई फिर आरआर, आरआर एसआरएच, एसआरएच जीटी और जीटी. आरसीबी के लिए एमआई, आरआर और जीटी, ये तीन है गेम्स जो टफ होने वाले हैं. एमआई, आरआर और जीटी. अब आप सोच लो, एसआरएच और डीसी को इजीली आरसीबी मात दे सकती है, और उसमें भी मैं बोलूंगा इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से डीसी ने आज जीता है कॉन्फिडेंस तो आएगा. एसआरएच भी अगर अगला मैच जीत जाए, अगला मैच एसआरएच का पता है किसके साथ है, केकेआर के साथ. कल का तुम्हारा मैच बहुत सारा चीजें डिसाइड करेगा, मुंबई और पंजाब किंग्स. कल दोनों ही मैचेस हैं ऊपर से चेन्नई और एलएसजी में से कौन जा सकता है, और मुंबई पंजाब में से भी कौन जा सकता है. दोनों ही मैच कल जो एलएसजी का बेहतर ही सोच रहा, बट तुम्हारे वाले में जो मुंबई और पंजाब का है ना वो है सॉलिड मैच. उसमें जो जीतेगा ना उसका बहुत बहुत अच्छा चांस है. इवन राजस्थान रॉयल्स का चांस है भैया. अभी राजस्थान रॉयल्स पर ऐसे बोल दिया, नफरत नहीं है, आपकी टीम खेल नहीं रही ढंग से, और आपकी टीम जो तमाशे कर रही है उसकी वजह से बोल रहा हूँ. टीम में वो जो जिस तरीके से चल रहा है उसकी वजह से बोल रहा हूँ. और आपके मैचेस भी टफ है. राजस्थान रॉयल्स के इतने टफ मैचेस नहीं है, चेन्नई सुपर किंग्स के भी इजी मैचेस है. गुजरात चेन्नई तो मैं बोल रहा हूँ, गुजरात चेन्नई, उसके बाद मैं तीसरी पंजाब लू के आरआर लू यार, बड़ा डिफिकल्ट है. आप दोनों ले लो, बाकी हटा दो, बिकॉज़ मुंबई के चांसेस नहीं है. मुंबई को हटा सकते हैं, मुंबई के चांसेस है. आप चूज कर सकते हो गुजरात, चेन्नई, राजस्थान. फाइनल फोर बताइए अपनी, अभी अभी जो आपको लग रहा है फाइनल फोर आप वो बताइए. गुजरात, राजस्थान, चेन्नई, लखनऊ. कोई कोई सीक्वेंस नहीं है मेरा. जो टॉप फोर है अभी वही लखनऊ. हाँ. गुजरात, राजस्थान, चेन्नई, लखनऊ. ठीक है जी. हाँ जी, अभी बदलना चाहेंगे जो डिस्कशन हुई उसके बाद? गुजरात, राजस्थान बदलना तो नहीं. देखो पंजाब मुझे लग रहा फॉर श्योर जा रही है. गुजरात, राजस्थान, पंजाब. गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और चौथी टीम होगी मुंबई या फिर आरसीबी में से. एक बताओ, आप चेन्नई को बाहर कर रहे हो? एक बताओ, एक अगर मैं चेन्नई से नफरत करते ना मुंबई, नफरत की बात नहीं है. अब देखिए बी रियलिस्टिक नाउ. हां मतलब हां रियलिस्टिक. एक बताओ, एक फिर अगर आरसीबी और एमआई में से चुनना है तो फिर एमआई को ही ऑब्वियसली. ए भाई जीटी, आरआर, पंजाब, एमआई. मेरे लिए टॉप टू अभी है गुजरात टाइटंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स. मेरे ख्याल से ये दोनों जा रही है. तीसरी टीम मैं लेता हूँ यार, ये राजस्थान, और इसमें कंफ्यूजन हो रही है पंजाब में भी और मुंबई में भी और आरसीबी में भी. इनमें से एक चूज करूंगा राजस्थान, और भाई राजस्थान और पंजाब में से एक चूज करो. आप बहुत सेफ खेल रहे हो अभी, ऐसे तो फिर मैं भी बता सकती हूँ कि मेरे ऑप्शंस क्या हैं. अरे मैं एक ही चूज कर रहा हूँ, मेरी बात मैं सिर्फ उनमें से पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में से एक बताओ, राजस्थान और पंजाब में से. आई से राजस्थान. कोबरा पंजाब. भाई साहब कंसिस्टेंसी पे रहिएगा. गुजरात राजस्थान की भी कंसिस्टेंसी चली गई. गुजरात चेन्नई पंजाब लिया मैंने पंजाब. चलो बट जॉस बटलर अच्छा खेलेगा तो हारेगी नहीं पंजाब. ओ राजस्थान, उनकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी है. बट चलो अभी मैंने तुक्का मारा, मतलब एक अंधेरे में निशाना लगाता हूँ. पंजाब लिया मैंने, गुजरात, चेन्नई, पंजाब, और चौथा मुझे आरसीबी और मुंबई में से एक चाहिए. ये चूज करो, आरसीबी या मुंबई. साक्षी रियलिस्टिकली आरसीबी के चांसेस ज्यादा हैं मुंबई के कंपैरिजन में. पॉइंट टेबल को भी हटा दो तो फॉर्म की अगर बात करें तो मुंबई की बॉलिंग क्वेश्चनेबल है, मुंबई के नेट रन रेट भी नेगेटिव है. आरसीबी का अगर परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी देखते हैं तो भला ये टॉप हैवी है, लेकिन फिर भी ये टीम ऑन अ गिवन डे समहाउ एक टीम बन के मैच जीत जाती है जब जीतते हैं. तो मुंबई के अंदर वो किस बेसिस पे आपके सारे मैच टफ? मैं बताता हूँ, सारे मैचेस टफ जरूर हैं, लेकिन हमारी अभी तक जो बैटिंग है वो ऑन एंड ऑफ रही है. कभी स्विच खुला है, कभी बंद हुआ है. बैटिंग हमारी अच्छी है, सबको पता है हमारी बैटिंग नंबर 8 तक है. हमें बस बॉलिंग में और कंसिस्टेंट होना है. चाहे पीयूष चावला की बात हो, वो तो अच्छा कर ही रहे. जोफ्रा अगर एक बार अपनी लय पकड़ लें, जोफ्रा हो चाहे मेरेडिथ हो, बेरेंडोफ को अंदर बाहर किया जा रहा है. मुंबई की टीम जो है वो अभी भी कुछ भी कर सकती है ना. वहीं अगर आप आरसीबी को देखो ना, टॉप हैवी है सबको पता है.
ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली और फेफ। हाँ। उसके बाद आप केदार जाधव को लेके आए हो, पहला मैच उन्हें नहीं खिलाया, चलो ठीक है देखते हैं अगले मैच में खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। ठीक है, आपकी बॉलिंग पिछला मैच लखनऊ से जिस तरीके से आउट हुए हैं सारे, अब वो भी तो देखें, भले ही आरसीबी को जीत मिली हो, क्वेश्चनेबल थी, पिच क्वेश्चनेबल थी, उससे पहले भी आरसीबी की परफॉर्मेंस ऑन ऑफ रही है ना, केकेआर से आ रहे हैं। सी मेरी पर्सनल चॉइस दोनों टीम में से कोई भी नहीं है, लेकिन इफ गिवन अ चॉइस आई विल से आरसीबी गिवन हाउ इट हैज गोइंग। आप ऐसे देखो, आप ये मत बोलो, आप ऐसे देखो, बैटिंग आपकी बेटर है ओवरऑल, डेप्थ और बॉलिंग शायद उनकी बेटर है। सिराज, हेसलवुड, हसरंगा, हर्षल पटेल एंड और कौन था उनके पास, बट अगर आप हमारी बॉलिंग देखो ना, हमारी डेथ बॉलिंग की प्रॉब्लम है, आपकी ओवरऑल बॉलिंग की ओवरऑल। जोफ्रा आर्चर को विराट कोहली ने पावर प्ले से मारना शुरू किया, पावर प्ले से उस मैच में मारना शुरू किया। अगर मैं वही बोल रहा हूँ, जोफ्रा अगर एक बार अपनी लय पकड़ ले, अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करने लग जाए, दिनेश कार्तिक उनका मिडिल ऑर्डर वीक है, बॉलिंग वीक, दिनेश कार्तिक बढ़िया खेल जाए, मान लिया आपका प्रभु देसाई अच्छा खेल जाए, उनके कंपैरिजन में हमारे पास अभी मुंबई इंडियंस की टीम में सिर्फ और सिर्फ पीयूष चावला है जी बॉलिंग में जो अच्छा कर रहे हैं, बाकी खराब ही है मामला। उनकी बॉलिंग हमारी बॉलिंग से बेटर है आरसीबी के, मैं मानता हूँ। हेजलवुड है, सिराज है और हसरंगा है, बैटिंग में तो यार कोई जवाब नहीं है, मुंबई और कहाँ आरसीबी, टॉप थ्री बस, और हमारे नंबर आठ तक बैटिंग है यार। मैं तो आपके जो आपकी जिन टीमों के साथ मैच है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए आरसीबी को चूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी टीम मुझे बेटर लग रही है, बट आई थिंक आरसीबी जा सकती है। तो मैं टॉप फोर अभी मैंने थोड़ा सा चेंज करा है, मेरी हो गई गुजरात, चेन्नई, पंजाब और आरसीबी, बट राजस्थान भी आ सकती है और मुंबई भी आ सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, लखनऊ नहीं आ सकती। लखनऊ